और कुछ अनबॉक्सिंग करी नहीं था तो भाई टेक न्यूज जो है मैंने कहा बना लेते हैं। और पहला जो अपडेट है वो भाई आ रहा है जी पीटीए की तरफ से, और नए स्पेक्ट्रम जो है वो भाई ऑक्शन के लिए आने वाले हैं, जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 मेगाहर्ट्ज से लेके 11.2 मेगाहर्ट्ज की है। और प्राइसिंग वगैरह नहीं अभी कुछ इन्होंने रिवील की है कि इस प्राइसेस के ऊपर जो है ये आगे ऑप्शन के लिए जाएंगे। और मेरी समझ से बाहर है भाई, पिछली फ्रीक्वेंसी को तो पूरा कर लो, उस पर अच्छा नेटवर्क दे दो। अभी मैं 2 मिनट पहले यूज़ कर रहा था, बिल्कुल फजूल किस्म का नेट चल रहा है, जैज वाले को पता नहीं कौन अवार्ड पकड़ा के चला जाता है। तो ये भाई सारा कुछ, और गवर्नमेंट को पैसे चाहिए शायद, तो इस वजह से ये ऑक्शन वगैरह हो रही है। और कभी 5G का भी इनका जेन में आ जाता तो ये भाई सारा कुछ इस टाइम है। तो देखते हैं अभी क्या इनका हिसाब किताब निकल के आता है, मैंने कहा बता देता हूँ आप लोगों को। बहरहाल अगला अपडेट बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है, जो कि सैमसंग की तरफ से है। और सैमसंग जो है 2023 तक जो है ना 2 नैनोमीटर के ऊपर जो है अपनी फैब्रिकेशन को लेके जा रहा है चिप्स की, जो कि कमाल किस्म की बात होने वाली है। और 2027 तक का इनका प्लान ये कि 1.4 नैनोमीटर के ऊपर जो है वो अचीव कर लेंगे। अब जो फैक्ट्री है वो टेक्सास के अंदर बन गई, जिसके ऊपर $17 बिलियन की जो है वो आई है। और TSMC जो है वो नहीं है, बड़े वैसे हैरत वाली बात है, वैसे कोलैबोरेशन उनके साथ की, जो कि टेक्सास के अंदर फैक्ट्री बन रही है जो कि ताइवान की कंपनी है। तो ओवरऑल जो भाई सीन है वो बहुत ज़बरदस्त है, आगे का मोबाइल फ़ोन पता नहीं किस तरह की परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। और देखते आएंगे जब 1 नैनोमीटर के बाद 0 पॉइंट की फिगर में आते हैं उसके बाद क्या होता है, तो के आगे जो है वो क्वांटम लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं अभी, बार बड़ा मजे किस्म का न्यूज़ था और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। एनीवे अगला अपडेट भाई साहब आ रहा है जी PS5 से रिलेटेड, और 2 साल से पहले इसका जो जेल ब्रेक है वो आ गया है। और बाकी सब छोड़ो, जो दुकानदार है ना पाकिस्तानी, इतना पैसा छापेंगे मैं आपको बता नहीं सकता। और अब जो है वो गेम में शेम में ये 5 रुपए की ना गेम नहीं पड़ती बाहर आज मेरे जानने वाले, और मुझे पता है। तो ये भाई सारा है सीन, और जो जेल ब्रेक करवाएंगे वो फिर करेंगे इस्तेमाल वगैरह। ऑनलाइन वगैरह नहीं, खैर आप लोग खेल सकते, तो ये कुछ है इसका सीन वगैरह। बाकी देखते हैं पाकिस्तान में कब तक आता है, जस्ट लेट निकल गया और 1.5 महीने तक आ जाएगा। बहरहाल अपना नेक्स्ट अपडेट देख रहे तो वो भाई आ रहा है जी मैक्स पायन की तरफ से, और इन्होंने फिर से आगे कह दिया जी मैं ट्विटर जो है वो 54.20 बिलियन के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब कहने को कुछ भी कह सकता, कोई और न्यूज नहीं आती, अभी रिपोर्ट निकाला तो अभी फड़िया मारे शायद फिर बोल दिया हो, तो देखते हैं अभी लेता है या नहीं लेता ये बंदा, और कह दे फिर बीच में कुछ हो, फिर थोड़े पैसे कम हो जाओ। तो अभी देखते हैं क्या इनका जो है वो सीन वगैरह बनता है और हो जाए। अभी क्रिप्टो का क्या हिसाब किताब है, लोही चल रही है, तो मैं अभी कुछ ऊपर नीचे सीन हो जाए। बहरहाल अपना थर्ड लास्ट अपडेट देख लें तो वो भाई आ रहा है कि शाओमी के मोबाइल फोन से रिलेटेड 200 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया भाई इन्होंने, और लीक्स निकल के आई थी शाओमी के जो ये 12 सीरीज के टी प्रो की, और अभी ने जो है वो रिवील की है। अब 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो तो समझ आती है, मगर जो उसकी सेंसर की क्वालिटी है वो किस तरह की है डिपेंडिंग तब जब रिलीज होगा पिक्चर्स वगैरह सामने आएगी, क्योंकि सैमसंग भी जो है वो देता है 109 मेगापिक्सल का, मगर पिक्चर क्वालिटी और एप्पल का जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सेंसर के ऊपर जो मेन चीज़ है वो बनता है, मेगापिक्सल एक टोटली अलग चीज़ है, और ये बात करने बैठूँ तो बड़ी लंबी चली जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लोग फिगर्स में चले जाते हैं। तो ये कुछ अपडेट है शाओमी से रिलेटेड। अपना सेकंड लास्ट अपडेट देख रहे तो वो भाई आ रहा है जी गूगल एक्सेलरेटर की तरफ से यही है नाम, और ये जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है गूगल की, जो कि सेटअप्स को जो है वो कह लो एक तरह से हेल्प करती है ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो है वो सही तरह से काम करने की जो है वो गाइडेंस वगैरह देते हैं, और ये जो है पाकिस्तान के अंदर आ गया तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बस समझ ये नहीं आ रही कि टिम कुक पायन भी फ्लड के अंदर रिलीफ करें, सारी अमेरिकन दे रही है, आज से पहले कभी नहीं दिया, और बाकी अमेरिकन कंपनीज भी एकदम से बड़ी एक्टिव हो गई है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा खैर आप लोगों से पूछे तो आपका क्या ओपिनियन है, तो ये कुछ अपडेट है गूगल से रिलेटेड, अच्छी चीज़ है वैसे, मगर सवाल पूछना फिर भी बनता है।
बहरहाल अपना लास्ट अपडेट देख रहे हैं, तो बड़ा अजीब किस्म का जिसके अंदर लिस्ट निकल के आई है अगले स्मार्टफोन अब तक जो है 2022 के, जिसके अंदर जो टेक्नो का स्पार्क है वो है, नोबिया मोबाइल है, उसके अलावा नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, देन लिनोवो का लीगन 90 था, इस तरह करके 10 मोबाइल फ़ोन्स की जो है वो लिस्ट है। तो पहली दफ़ा मैंने इतना कुछ अपडेट देखा है, तो ये भाई कुछ थे अगले मोबाइल फ़ोन 2022 के, और ये है हमारा लास्ट अपडेट। अब बाकी आप लोगों की कोई अनबॉक्सिंग की रिक्वेस्ट वगैरह हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कोई और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।